सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जब भी वैसे वाले शब्द आते थे कि बहुत मोटी हो गई है, तो ऐसा लगता था कोई शीशा घोल के कान में डाल रहा है, अब खून निकल जाएगा कान से। बट मैंने कोशिश की और वर्कआउट किया, अपने आप को मेंटेन किया, डाइट किया, एंड आई होप कि अब ऑडियंस को जो थोड़ी सी कमी लग रही थी, कुछ ही लोगों को एक्चुअली, बहुत सारे लोग तो मुझे हमेशा किसी भी रूप में उन्होंने मुझे प्यार ही किया है, हमेशा यही बोला है कि आप जैसी हैं बहुत सुंदर लगती हैं, बट कुछ चंद लोगों को जो तकलीफ थी, आई थिंक अब वो कम होगी, अब वो शायद मेरे परफॉर्मेंस और अपीयरेंस दोनों से उतना ही प्यार करेंगे। वैसे जो वेट लॉस करने वाला प्रोसेस था, ये शुरू हो चुका था, खत्म हो गया है, अभी भी चल रहा है, और स्लिम होना है, क्या है? अभी भी चल रहा है, मैं तो चाहती हूँ कि और कम से कम 8 किलो और कम करूँ, लेकिन सब लोग मना कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि अब बस इससे कम मत करिएगा, बट मेरा प्रोसेस अभी भी जारी है, लेट्स होप मैं उसको अचीव करूँ। क्या आप कितनी मेहनत की अमरपाली जी, वैसे कुछ याद है इतना इस रूप को पाने के लिए? एक्चुअली जब शुरू किया था वर्कआउट करना और डाइट करना, तो बहुत डिफिकल्टी होती थी, लगता था कैसे आदमी खिचड़ी खा के जिंदा रहे यार, सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो भी वो बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब मेरा एपेटाइट, मेरा डाइट ही वही हो गया है, अब अगर मुझे कोई कुछ फ्राइड या कुछ ऑफर भी करता है तो मेरा खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरा रूटीन ही वैसा सेट हो गया है कि मुझे यही खाना है, इतना ही खाना है, इतने टाइम वर्कआउट करना है, तो मैं बहुत ही रूटीन में आ गई हूँ, एंड दैट आई एम लाइकिंग अ लॉट, मुझे यही ज़्यादा बेटर लग रहा है। वो बिना नियंत्रण का लाइफ बहुत ही ख़राब होता है किसी के भी लिए, वैसे नहीं करना चाहिए, आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वेट, अगर आपका वेट गेन हो जाता है तो सबसे पहले आपकी हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको बहुत तकलीफ़ होने लगती है, और हमारी इंडस्ट्री अभी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी इंडस्ट्री है, तो हम लोग को एक एक दिन में गाना कंप्लीट करना होता है, एक एक दिन में फाइट सीक्वेंसेस कंप्लीट करने होते हैं, तो हम लोग थकना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई थिंक फॉर माई करियर ऑल्सो मुझे वेट लॉस करना इम्पॉर्टेंट था, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी हेल्थ के लिए था, तो उसी को फोकस करके किया गया है। जी मैं हमेशा अपने कॉस्ट्यूम्स का क्रेडिट एक ही डिज़ाइनर है, कविता सुनीता जी, मेरी 99.9% टाइम्स मेरे कॉस्ट्यूम कविता सुनीता जी बनाती हैं, एंड दे ऑलवेज मेक मी लुक वेरी ब्यूटिफुल, तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम, और बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम उन्होंने बनाया हर बार की तरह, और मुझे बहुत, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और बहुत सुंदर लग रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आप बिल्कुल सुंदर लग रही है। अच्छा, कॉस्ट्यूम आपके डिज़ाइन होते हैं जब आप उनके उनके लेती हैं, तो आपने भी कुछ इनपुट देते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए? जी जी, हमारा बहुत लंबा डिस्कशन होता है कोरियोग्राफर के साथ, डायरेक्टर के साथ, या मोस्ट प्रोबेबली कोरियोग्राफर और डिज़ाइनर के साथ बहुत लंबे टाइम तक डिस्कशन चलता है कि कैसा कपड़ा पहनना है, क्या करना है, गाने का थीम कैसा है, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है, उसके बाद कॉस्ट्यूम फाइनल होता है। मतलब आपने पुराने कपड़े क्या किए हो, तो आपको आते नहीं होंगे? नहीं नहीं, मैंने टाइट करवा लिए, इतना नहीं है कि सब फेंक दूँ तो उसको टाइट करवा लिया, सिलाई मरवानी पड़ी है, बट उनको फिर से यूज़ कर रही हूँ मैं। थोड़ा कंजूसी करना पड़ता है, क्या करें हम लोग, यू नो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, तो कितना भी पैसा आ जाएगा, कंजूसी मेरे नेचर में से जाएगा नहीं, वो कभी नहीं जा सकता। हम लोग को बचपन से सिखाया गया था कि मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो मैं वेस्ट तो कर ही नहीं सकती थी कपड़ों को, कई कपड़ों को मैंने टाइट करवा लिया, कई कपड़ों में चीर वीर मार के उसको अलग कपड़ा बना दिया, बट सारे कपड़े रीयूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मतलब ये आप मेरे सामने कमेंट करते हो कि हमारे पास जूते कंजूस हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं रहूँगी तो मेरी मम्मी मुझे जूता जूता मारेगी, अगर मैं पैसे वेस्ट करूँगी, कपड़े वेस्ट करूँगी, तो आज भी मेरी मम्मी मुझे कभी भी मार सकती है, तो कंजूस मैं हूँ कपड़ों के मामले में, चीज़ें वेस्ट नहीं करने के मामले में बहुत बड़ी कंजूस हूँ। रिसेंटली कब मार खाई थी? नहीं, वो कभी भी अचानक उठ जाती है पालू ऐसे, और जब जहाँ भी हो दुनिया में, कभी सेट पे भी हो तो भी मैं डर के चुपचाप बैठ जाती हूँ। जी, आपने क्या कहा, कैसे कहती हैं? पालू, पालू मेरे घर का नाम है, तो अचानक पालू कर देती हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। पालू, आमिर पालू से सिर्फ पालू? यस, यू डोंट हैव टू एम्फसाइज ऑन इट, अनु, वरना आनंद जी आपको मैं आपसे अनु बुलाने लगूंगी। शी इज माय वाइफ, अनु। अच्छा, ओके, जी जी। तो
कुछ ज़्यादा ही डर रही थी, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं अच्छे से परफॉर्म करेंगे कि नहीं, बट लकीली ही इज़ अ वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया उन्होंने. आई एम रियली होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर हिम. भगवान करे ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो और उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेके आए फ्यूचर में. अच्छा अमरपाली जी, आपके मित्र दिनेश लाल यादव आजमगढ़ में डबे हुए हैं जी, रोज नए नए बयान देते हैं, रोज रैलियां करते हैं और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं. आम्रपाली दुबे अखिलेश यादव पर निशाना नहीं साधते, ऐसी सोच पर निशाना साधते हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही है और जो कि गलत है. जैसे कि हम नेपोटिज्म की बात हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं, तो वैसा ही नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में भी नहीं होना चाहिए. और दिनेश जी की सोच के हिसाब से वो नेपोटिज्म गलत है, तो वो किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो उस जातिवाद वाली सोच को टारगेट कर रहे हैं. एंड आई थिंक दिनेश जी इज़ डूइंग रियली नाइस जॉब और मेरी और हमारी पूरी इंडस्ट्री की बेस्ट विशेज है दिनेश जी के साथ. जब दिनेश जी बुलाएंगे तब हम लोग सब पहुंच जाएंगे. एंड आई थिंक एक शो होगा शायद वो जब लास्ट डे होगा प्रचार का, तब शायद एक शो करेंगे इंडस्ट्री के लोगों के लिए एंड वी विल ऑल गो एंड सपोर्ट दिनेश. अच्छा आप जहाँ से हैं गोरखपुर, वहाँ से आपके दूसरे मित्र अभिकेशन जी लड़ने जो आपको जी मानते हैं जी चुटकी कहते हैं जी, उनके लिए प्रचार करने कब जाएंगे? मैं जब भी रवि जी बुलाएंगे आई विल ऑलवेज गो गोरखपुर, तो मैं जाऊँगी और उनके लिए पक्का प्रचार करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गोरखपुर की सीट वापस आए और मैं ज़रूर प्रचार करूँगी रवि जी के लिए जब भी वो बुलाएंगे. अच्छा जब ये सारे आर्टिस्ट गए तो ये कहा जा रहा था कि अमरपाली गोरखपुर से लड़ने वाली है, टिकट मिल रही है. ओ माय गॉड नहीं अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है. देखिए ये सब जो रूमर्स है कि मैं पॉलिटिशियन बनने वाली हूँ ये गलत है, मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ ये भी रूमर मुझे सुनने में आया ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम कम्प्लीटली कमिटेड टू माई वर्क. मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ और अपने काम पे फोकस कर रही हूँ. प्लीज़ मुझे करने दे, मेरी शादी के बारे में और मेरे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में मत सोचिए क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है. अच्छा ये तो चलिए क्लियर हो गया, मैं पूछूंगा नहीं. सवाल यही है आखिरी कि मेरोपुआ ने कहा कि वो फिल्में कम करेंगे जी, खुद कहा कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, मेरे को इंटरव्यू में उन्होंने बात करी जी. ठीक है तो अब आम्रपाली कंटिन्यू करेंगे, क्या आम्रपाली के क्या प्लान्स आगे, क्योंकि मेरोपुआ की जो जोड़ी है बेसिकली अब मेरोपुआ आम्रपाली में से मेरोपुआ भाई अलग होते दिख रहे हैं. हे भगवान ऐसा मत बोलिए. दिनेश जी जितनी भी फिल्में करेंगे आई एम श्योर कि वो बेस्ट फिल्में करेंगे, चाहे वो साल की एक फिल्म क्यों ना करें, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे. लेकिन मेरे ऊपर अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं कंटिन्यूसली काम करूँगी और अपनी ऑडियंस को हमेशा ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी जब तक वो मुझे देखना चाहेंगे. अच्छा पिछले करीब एक महीने से मुझे लग रहा है वो पॉलिटिक्स वाली जिम्मेदारी में लगे हुए हैं जी. आम्रपाली के साथ शूट कर रहे थे ठीक है, वहाँ से दिनेश भाई ठीक है उसके चले गए जी, अब वो पॉलिटिक्स पे ठीक है कर रहे हैं जी. आम्रपाली को याद नहीं आते क्यों, याद क्यों करेंगे हमको, जब मन करेगा दिनेश जी को फ़ोन करेंगे, रवि जी को फ़ोन करेंगे, मनोज जी को फ़ोन करके बात कर लेंगे, इसमें याद करने की क्या बात है. शूटिंग पे साथ होते थे ना, अभी तो लेकिन काम में बिजी है तो हम डिस्टर्ब थोड़ी कर सकते हैं. ऐसे तो कितनी फिल्में जब वो अलग शूटिंग करते हैं तो हम लोग थोड़ी डिस्टर्ब करने जाते हैं. लेकिन मैं खाली यही होप कर रही हूँ कि वो जो काम अभी कर रहे हैं उस काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों और भगवान उन्हें जीत दिलाएं, और उसके बाद जब हम फिल्म करेंगे तो ये पूरी कसर पूरी करेंगे, बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे. लेकिन अभी के लिए हम लोग कोई उनको मिस नहीं करा, हम सब चाहते कि वो अच्छे से काम करें. निरुवक जीतेंगे, क्यों ऐसा लगता है? आई थिंक हम सब दिनेश जी को बहुत अच्छे से जानते हैं. दिनेश जी इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत ही जेन्युइन इंसान है और एक बहुत ही जेन्युइन पार्टी के साथ उनका उन्होंने शुरुआत की है अपने पॉलिटिकल करियर में. उनकी सोच बहुत ही अच्छी है, वो रूढ़ीवादी जातिवादी सोच को पछाड़ना चाहते हैं और लोगों को नई दिशा दिखाना चाहते हैं और मैं उस सोच से बहुत सहमत हूँ. इसलिए मैं चाहती हूँ कि दिनेश जी जीतें और मुझे पक्का यकीन है कि दिनेश जी जीतेंगे. आई थिंक हमारी भाषा को मान्यता दिलवाना चाहिए, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहिए. ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे, मनोज जी से, रवि जी से, सबसे. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आँख बंद करके कमल का बटन दबाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए, इस देश के
अच्छे भविष्य के लिए और बेहतर भविष्य के लिए आप लोग प्लीज़ इलेक्शन के दिन अपने घरों से बाहर निकलें, वोट करें, डू वोट। आपका वोट बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रेशियस है, प्लीज़ जाइए और जाके वोट करिए। कमल का बटन दबाएं। आपने दिनेश के लिए या फिर मोदी के लिए कोई गाना नहीं गाया, सारे लोग गा रहे हैं। जी जी, मैं गाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा एकदम धमाकेदार गाना बना के गाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था अभी बहुत दिन से, एंड प्लस आई वॉज हैविंग अ थ्रोट इन्फेक्शन ऑल्सो। बट जैसे कोई अच्छा गाना तैयार होगा मैं ज़रूर गाऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।